दोस्तों हाल ही में केरला में एक 15 साल के बच्चे की मौत होगी एक अमीबा के कारण। जी हाँ, जिसका नाम था ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसे कि दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। इसके कारण 15 साल के बच्चे की मौत होगी। पाकिस्तान में भी 3 से 4 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कि इस वायरस के कारण 4 से 5 लोगों की मौत हो गई। वर्ल्ड में सबसे पहले इस अमीबा के कारण जो मौत हुई थी वो साउथ कोरिया में हुई थी। इस अमीबा का जो साइंटिफिक नेम है वो है नाइग्रेलिया फालेरी। इस अमीबा के कारण जो बीमारी होती है उसका नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एस्फेलाइटिस। इस वायरस के कारण जो डेथ परसेंटेज है वो 97% तक डेथ परसेंटेज है, यानी कि ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें जो सबसे राहत वाली बात यह है कि ये पर्सन टू पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये जो अमीबा है ये गर्म पानी के स्रोत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी गर्म पानी की झीलों में, नदियों में और तालाबों में या स्विमिंग पूल्स में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके कारण जो होने वाले सिम्टम्स हैं ये क्या हैं कि आपको तेज बुखार आएगा, उल्टी आएगी, आपका मन घबराएगा, दूसरा आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, आपकी गर्दन में अकड़न आ सकती है और आप कोमा तक में भी जा सकते हैं। ये इस जो वायरस के हैं लक्षण हैं। समझते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है, ये आपके शरीर में कैसे जाता है। जब आप गर्म पानी की झीलों के अंदर जाते हैं तो ये वायरस आपके नाक के जरिए से आपके दिमाग तक पहुंचता है और वहां पे जाके आपके टिश्यूज को ये खाने लगता है, जिसके कारण आपकी 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह के बीच बीच में आपकी मौत हो सकती है, व्यक्ति की मौत हो सकती है, पेशेंट की मौत हो सकती है। कैसे बचा जा सकता है इससे? जब आप पानी झीलों में जाने से पहले तो अवॉइड करें जाना, बट अगर आपको जाना ही पड़ता है तो नाक और मुंह के लिए पूरे के पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही नदियों नालों में जाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वायरस के बारे में और लोगों को भी पता लग सके और लोग भी सावधान हो सके, सजग हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।